हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर लेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था क्वेश्चन चैलेंज करने का, क्वेश्चन चैलेंज का फॉर्म का। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि मैम आपने जिस चीज़ का आप बोले वो ऑब्जेक्शन का था, वो 7 तारीख को ख़त्म हो चुका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो ऑब्जेक्शन की डेट है वो मुझे भी पता है 7 तारीख था। ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन चैलेंज में फ़र्क होता है, वही मैं आज आपको डिफरेंसेस समझाने वाली हूँ। क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज जैसा अगर मौका आपने छोड़ दोगे तो काफ़ी आपका ही नुकसान होगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है और क्वेश्चन चैलेंज का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। और एग्जैक्ट देखा जाए तो क्वेश्चन चैलेंज ज़्यादा ही यहाँ पर इफेक्टिवली है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं और ऑब्जेक्शंस के आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट वहाँ पे उठाते हो बस। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट वीडियोज लेके आता है, प्लस ए टू जेड की सारी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, बेस्ट टू एडवाइस, सजेशन, एवरीथिंग ये आपको प्रोवाइड करता है स्मार्ट नौकरी चैनल। तो चलो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि ऑब्जेक्शंस एंड क्वेश्चन चैलेंज का क्या है। पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्शन का यहाँ पे मैसेज दिखा देती हूँ, जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस आया वो दिखाती हूँ। तो ये ऑब्जेक्शन का मैंने आपके साइट से, ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। तो यहाँ पे पूरा ये सब लिखा हुआ है, आपके सबमिट एंड अवेलेबल डेट का ये सब। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा है थर्ड में क्लिक ऑन प्लस बटन इन द टैब ऑब्जेक्शंस टू रेज योर ऑब्जेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। ऑब्जेक्शन का मतलब अपनी आपत्तियों को बताने के लिए आपत्तियां टैब के प्लस बटन पर क्लिक करें। तो ये प्रॉब्लम्स बताना है आपको कि एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से क्वेश्चन इस तरीके से गलत हुआ है, कौन सा चीज़ें आपको ऐसा लगता है। तो ये सिर्फ उसका बताने का लास्ट डेट 7 तारीख था, ठीक है। तो वो तो उस तरीके से आंसर किए भी आया था, तो आंसर किए आने के बाद ये सिर्फ होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, वहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना है, टैब प्लस कर देना है, दैट्स इट, वहाँ पे और कुछ खास नहीं करना। ये ऑब्जेक्शन सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने के हैं, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन का नहीं होता। अब मैं आपको क्वेश्चन चैलेंज का मतलब बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन चैलेंज का मैं प्रूफ लेके आऊँगी, एक दूसरे एग्ज़ाम का, वहाँ पर मैं आपको पूरा वो सीट दिखाऊँगी किस तरीके से क्वेश्चन चैलेंज के मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन चैलेंज का कैसा होता है कि सपोज़ कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एग्जांपल अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, सपोज़ ये यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर ए बी सी डी, ऐसा 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बट आपने यहाँ पे टिक किया है डी, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन ने डी यहाँ पे क्लिक किया, और आपने ऑफिशियल साइट वगैरह पे जिसके भी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपने ऑफिशियल साइट या टेक्स्ट बुक कहीं से भी ढूंढ के आपने रखा है वहाँ पे, और इसका आंसर डी ही राइट है। बट गलती से एग्जामिनर की तरफ से उसका आंसर इन्होंने ए दिया है। अब इस पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। इसका कुछ समथिंग रुपीज़ भी होता है, 200-300 रुपीज़ यहाँ पे होता है। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे। एक क्वेश्चन चैलेंज करने का मतलब देखा जाए तो माना इसके पैसे वो ले रहे हैं, बट नीचे ये भी लिखा जाता है अगर सही में आपने प्रूफ कर दिया कि हाँ इसका आंसर डी ही है यहाँ पे, तो वो पैसे मनी रिटर्न आपको मिल जाते हैं। ये भी वहाँ पे नीचे ऐसा लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस में। तब इसका अलग से 2 दिन का, ऑब्वियसली हर एक एग्जाम में से 2 दिन का इसका टाइम पीरियड दिया जाता है। तो आप उसको वहाँ पे प्रूफ दिखाते हो कि इसका आंसर देखो ये यहाँ पे साइट पे टेक्स्ट बुक में हर जगह इसका आंसर यही दिया है, आपकी तरफ से मिस्टेक हुआ, आपने इसका कम मार्क्स हम लोग को दिया है। तो वहाँ पे एग्जामिनर चेक करता है कि हाँ ये तो सही है कि हाँ इसका आंसर डी है यहाँ पे। अब इसके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं और इसके मार्क्स सबको फ्री मिलता है, ऐसा नहीं कि जिसने चैलेंज किया सिर्फ उसको फ्री मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल ऑलरेडी होता है। तो इसके मार्क्स यहाँ पे सबको मिलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन चैलेंज एंड ऑब्जेक्शंस में डिफरेंस है। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है हम सिर्फ गलत चीज़ों के, हमें कुछ प्रॉब्लम है हम वहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं या फिर प्रेस, ऑब्वियसली वो तो ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे हम बोलते नहीं, वहाँ पे प्रेस करते हैं। क्वेश्चन चैलेंज थोड़ा सा अलग होता है, बट क्वेश्चन चैलेंज देखा जाए तो बहुत ही रेयर, मतलब सब एग्ज़ाम में नहीं होते हैं, कुछ 1-2 एग्ज़ाम में ही दिए जाते हैं। तो अब आपको बस साइट पे, ऑफिशियल साइट पे ये चेक करते रहना, वैसे जैसे ही क्वेश्चन चैलेंज का कुछ भी आएगा तो ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए ज़रूर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता देगा कि आपको क्वेश्चन चैलेंज किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो हम खुद भी आपको बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना करके रखना है, ढूंढना है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको लगता है वो गलत है, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखना है कि आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन गलत है। देखो 100 में से जरूरी नहीं होता सारे क्वेश्चंस वो राइट ही देते हैं एग्जामिनर,
ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ नंबर्स बैच चेंज हो जाते हैं, 35 का 45 हो जाता है, तो जब 45 आता है इसका आंसर भी चेंज हो जाता है, बट एग्जामिनर के हिसाब से तो उसका आंसर ए ही रहेगा, बट आपके हिसाब से उसका आंसर डी रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाते हैं, बट ये स्टूडेंट का काम होता है, ये आपका काम है यहाँ पे कि उसके क्वेश्चन को चैलेंज करना, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्शन भी बहुत लोगों ने अगर क्वेश्चन को उठाया है तो भी उस क्वेश्चन एग्जामिनर देखेगा, तो भी उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन चैलेंज कभी कभी कैसा होता है कि एग्जामिनर वहाँ पे देखता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए हैं, तो वो वापस भी डेट देता है क्वेश्चन चैलेंज करके, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन चैलेंज में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि मैम ऑब्जेक्शन ये क्वेश्चन चैलेंज डेट चला गया, दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स, आई नो दैट कि क्या एग्जैक्ट है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नए सजेशन के साथ में। अब आपको बस एक काम करना है, थोड़ा सा ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन चैलेंज का डेट देखते रहना है और क्वेश्चन फाइंड आउट करके रखो। और यहाँ पे याद रखिए, ऑब्जेक्शन में सिर्फ आप ऑब्जेक्ट करके कोई भी बटन प्रेस कर देते हो, वहाँ पे आपको प्रूफ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्वेश्चन चैलेंज में आप किसी सामने एग्जामिनर काफ़ी वहाँ पे बड़े पोस्ट पे हैं, आप उसको चैलेंज वहाँ पे करो तो ये बहुत ही बिग डील की बात हो जाती है यहाँ पे। तो उसके लिए जो आप प्रूफ वहाँ पे जब आप दोगे, वो प्रूफ बहुत ही मतलब इफेक्टिवली होना चाहिए कि हाँ वो प्रूफ एकदम परफेक्ट राइट है, ठीक है। तो 10 बार सोचने के बाद ही आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है, क्योंकि सपोज आपने क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, उसका सच में उसका प्रूफ जो आपने दिखाया वो राइट प्रूफ नहीं दिखाया, उसका आंसर ए ही राइट है, तो इसके मार्क्स काट भी लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपका इसका बैठा तो वो मार्क्स आपको दे देगा, नहीं। अगर आपने गलत किया है तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, और सिर्फ आपका नहीं सब बच्चों का यहाँ पे मार्क्स कटने वाला है। इसलिए क्वेश्चन चैलेंज करना यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता है, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन चैलेंज करना होता है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।